नमस्ते। विश्व के कल्याण के लिए हमने जो शोध की है वह आज सचमुच संसार के बहुत काम आ रही है। नशे सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के सुनने की क्षमताओं को बहुत अधिक तक बढ़ाया जा सकता है तथा कान के सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा बिना मशीन बिना ऑपरेशन की जा सकती है। सर्जरी की आवश्यकताएं नहीं है। मात्र कान में डालने की दवाइयां और खाने की दवाइयों से और वो भी वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा संसार के कठिन दमकारी बहरापन को अब उन्मूलन कर दिया गया है, जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया है। ये विश्वास दुनिया को दिलाने के लिए ही सोशल मीडिया पर हम उन लोगों के वीडियो डाल रहे हैं जो ठीक हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई आश्चर्य न करें, यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता है, न कोई दूसरी तकरीब मना होती है, मात्र ट्रीटमेंट होती है। हम अपने दर्दी को कहते हैं कि संसार के किसी भी कोने में आप कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ तो मात्र आपको 3 घंटा चाहिए। जिस दिन आएंगे उस दिन आपको छुट्टी दे दी जाएगी। प्रथम घंटे के प्रथम चरण में आपकी टेस्टिंग होगी, ट्रीटमेंट होगी, सुनवाया जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी और फिर उसके बाद में फिर दवाई होगी, फिर टेस्टिंग होगी और फिर ट्रेनिंग होगी कि आप सुनने के बाद में कान को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाएं। कान को यूजर फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि सुनी हुई चीज को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना होता है। सुनने का मतलब कोई भी चीज कान में गई, सुनी हुई चीज को दिमाग में गई, मेमोरी बनी, मेमोरी के बाद में डेवलपमेंट हुआ, याद रहा, तो वह शब्दों का निर्माण करके बोल सकता है। ध्यान रहे, जो जन्म से बहरे बालक हैं वो बेचारे शुद्धता पूर्वक नहीं बोल पाते हैं, पर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। नशे सूख जाने से आए हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन संसार के लिए मात्र विडंबना रह गई है, एक असत्य हो गया है। नशे सूखती ही नहीं है, क्योंकि यदि नशे सूखती तो मात्र 1 घंटे में ट्रीटमेंट से जन्म का बहरा बच्चा या बालक या बूढ़ा कैसे सुन सकता है। हमारे इस ट्रीटमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से आए हुए बहरापन से मुक्त हो सकता है। कान में डालने की दवाइयां हैं, खाने की दवाइयां हैं और उसी का प्रयोग होता है। आइए हम दूसरी बात करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है टीनिटस की, कान में तरह तरह की आवाज आने की। ये बड़ा असाध्य और कठिन रूप माना जाता है क्योंकि जहां ये रोग आता है डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं और कहते हैं नसें सूख गई है, इस जन्म में बेयर विद द मैटर। परंतु इसका ट्रीटमेंट बड़ा सरल और संभव है। मात्र दवाइयों से टीनिटस छुड़ाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है और साथ में सुनने की क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सकता है। जो प्रयोग हो रहे हैं हजारों की संख्या में, वो वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए डाले जा रहे हैं कि विश्व के कल्याण के लिए जनहित में सभी लोग इसे देखें, समझें, विश्वास करें और इसका प्रयोग करें और यहाँ पर आए। अभी कुछ क्या हो रहा है कि प्रचार ज़्यादा होने से लोग कहते हैं कि हमें दवाई भिजवा दीजिए। हम कहते हैं कि प्लीज़ ये दवाई कम, ट्रीटमेंट ज़्यादा है, ट्रेनिंग ज़्यादा है। आपको विश्वास कब होगा कि जब आपके कान में दवाई गई, आपकी ट्रीटमेंट हुई, आप सुनने लगे, टेस्टिंग हुई, विश्वास हुआ, तब आपकी आंखें खुलेगी, अरे मैं तो सुन भी सकता हूँ। तब आपको बोलने की क्षमताओं को बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तब आपको विश्वास होता है, तब 3 घंटे के बाद में 3 महीने की दवाइयां साथ में इसलिए दी जा रही है कि बार बार चक्कर लगाने न पड़े। दोनों ही बात पे फर्क है। एक अज्ञात व्यक्ति को बिना कारण के बिना पूछे हुए दवाई भेज देना हमारे हिसाब से गलत है। ट्रेनिंग लेना, आज मेरे पास में बहुत से पेशेंट बाहर से विदेशों से फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और आपके मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं
और कुछ अफ्रीका के भी हैं, वो सभी क्या चाहते हैं कि हमें दवाई भेज दीजिए। मित्रों, हम दवाई इसलिए नहीं भेजना चाहते और इसलिए नहीं भेजते हैं कि बिना ट्रेनिंग, बिना प्रूवन के दवाई भेजना हमारे हिसाब से सिद्धांत विरुद्ध की बात है। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि एक घंटे में कान रेडी, तो कैसे होगा? जब हम यहाँ पर उसको प्रूव करेंगे, दवाई डालेंगे, टेस्ट करेंगे, बताएंगे, तब होगा ना। इसलिए मित्रों, हमें क्षमा करें, दवाई मंगाने से अच्छा है कि शायद आपके जीवन का यह अनमोल जो समय है वो बीत न जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यात्रा करें, गुजरात में आएं। अहमदाबाद गुजरात का बहुत ही सुरम्य प्रदेश है, बहुत ही सुंदर शहर है। ये सचमुच तो मोदी साहब का स्वप्न शहर माना जाता है। यहाँ का नदी किनारा और ये कहिए कि रिवर फ्रंट बहुत ही सुंदर है। गांधी आश्रम बहुत बढ़िया है और बहुत बड़े बड़े मंदिर है और तो और सुंदर तालाब है और शहर भी अपने आप में सुंदर है और शहर के लोग भी अच्छे हैं। खैर, हम अपनी बात पर फिर से आ जाते हैं कि मित्रों, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बहरापन कोई रोग नहीं है। कान के किसी भी प्रकार के रोग को ठीक किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कान में होल हो गया है, हम कहते हैं होल गटर में होता है, कान का पर्दा बड़ा हो गया है, वो दवाइयों से बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। फिल्टर बराबर ठीक होते हैं, बड़ा फिल्टर हो चाहे छोटा हो। दूसरी बात, एक आश्चर्यजनक बात हमारे सामने आई है कि कान का फिल्टर इतना जवाबदार नहीं है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सुनने में जितना हाउ मचाया गया है। वो लोग भी सुन सकते हैं जिनके कान के फिल्टर खराब हो गए हैं, हमारी ट्रीटमेंट दवाई के बाद में वो खुद अनुभव करते हैं कि आज हमें बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है। खैर, किसको चक्कर आ रहे हैं, कान का पानी घूम गया है, उसको बखूबी ठीक किया जा सकता है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, आक्रोश और आवेश बढ़ गए हैं, वो भी ठीक किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ट्रीटमेंट के अंदर खास करके भावधारा के ऊपर दवाइयां तैयार की है। शरीर के बाहें अंग के अंदर तकलीफ है कि दाएं अंग में तकलीफ है, उन सबको ठीक किया जा सकता है। टीनिटस जो दाहिने अंग में है उसकी स्पेशल दवाई है, बाएं अंग की अलग दवाई है। खास बात तो यह है मित्रों कि कान के सभी प्रकार के रोग इतनी सरलता से मिटाए जा रहे हैं कि मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि हमने कुछ किया है या कुदरत हमारी मदद कर रही है। हमारी 12 आदमियों की 13 आदमियों की टीम है, डॉक्टर्स है, ट्रेनर है, सभी लग जाते हैं, पूरी टीम लग जाती है और सभी को वो 2-3 घंटे के 4 घंटे के प्रयत्न से रोग मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उनको दवाइयां साथ में दी जाती है, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि मित्रों, आपको ये गारंटी वारंटी वाला प्रोजेक्ट है, चिंता न करें। यदि आज सुन गए हैं तो फिर से हमारी सहायता के लिए हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अनावश्यक फ़ोन न करें, जरूरत लगे तो हमें फ़ोन करिए। सुनने के बाद में शब्दों का निर्माण करना, पढ़ना, रीडिंग थेरापी करना, वर्ड थेरापी करना, स्पीच थेरापी करना बहुत जरूरी है। यहाँ जादू देखने ना आए, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, कान को ठीक करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी वाणी शुद्ध करना चाहते हैं, वो लोग आए। बहुत से माता पिता कहते हैं बस हमारे बच्चे को सुनवा दीजिए, हमारा काम हो गया। मैंने कहा नहीं मित्रों, यहाँ तो काम प्रारंभ हुआ है। सुनने के बाद में कान को यूजर फ्रेंडली बनाना, उपयोग करना, शब्दों का निर्माण करना, समझना, मेमोरी लेना और कान को शब्दों में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बातें हैं, मैं करता ही जाऊंगा, इसका कोई अंत नहीं ही है, परंतु मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कान के साथ साथ में शरीर में कोई भी आदि व्याधि उपाधि हो तो हम उस व्यक्ति को जरूर हमारी दवाइयों से, ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे। हमें तो आदत पड़ गई है कि तुरंत दवाई देके पूछा जाए कैसा लगता है। लोगों का आश्चर्य होता है, परंतु जब ठीक होते हैं तो करे सर क्या बात है, हम तो आपसे मिलना चाहते थे, हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, सर प्रवीण जी आप कहाँ पर हैं। अब मेरे लिए कठिनाई यह हो गई कि मैं सबको नहीं मिल पाता हूँ, इसलिए क्षमा करें मित्रों, हमारी टीम का उपयोग करें,
हमारे डॉक्टर्स का उपयोग करें, ट्रेनर का उपयोग करें और सभी को सहायता, आपकी सहायता, सबको आपकी सहायता की जाएगी और सबसे निवेदन है कि सब उनको पूरा कोऑपरेट करें। हमारी कोई गलती हो तो क्षमा करें। कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धापूर्वक ट्रीटमेंट करेगा तो विश्वास दिलाता हूं कि कान का अन्य रोग भी समाप्त हो जाएंगे। कान का ठीक होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कान के साथ में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह की फ्रेशनेस जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है। नहीं आत्मविश्वास होगा तो ट्रीटमेंट करवाने मत आइए। एक तो वैकल्पिक चिकित्सा है, लोगों को ऐसे ही डर लगता है, क्या मालूम क्या होगा, फ्रॉड तो नहीं है, कुछ कल्पना तो नहीं है, बातें तो नहीं है, पर वो लोग करें क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10000 वीडियो डाले जा चुके हैं और सब लोग बड़े खुश होकर कर रहे हैं। सबकी भावाभिव्यक्तियां इतनी जोरदार है, सब लोग अपने मन के उद्गार कथा रहे कि सर मेरा बच्चे मुझे आप 10 वर्ष पहले मालूम पड़ जाता तो आज मेरा बच्चा बोलने लगता। आज ही एक व्यक्ति आया था, सर यदि मुझे 6 महीने पहले मालूम पड़ जाता तो मैं इम्प्लांटेशन नहीं करवाता। मैंने कहा बेटा जो हो गया हो गया, जो कान बच गया उसका उपयोग करो। प्रणाम, नमस्ते, प्रवीण सुराणा के प्रणाम। फोन करने में आप लोग जल्दी न करें, फोन करने के लिए हमारे 10 नंबर सेवा में अविरत उपलब्ध है, 9099 6720 21234, ऐसे करके 30 तक सभी नंबर सेवा में सुबह 9 से लेकर के शाम को 9 तक चालू रहते हैं। उसके बाद में फ़ोन न करें, रात्रि में फ़ोन करना मना है, नींद में से न उठाए, दिन काफ़ी है। धन्यवाद, प्रणाम।